नमस्ते सत्याकाल जी सारे नू, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम आ गए हैं लक्ष्मी नगर एक और बढ़िया सा ऑफर लेकर आपके लिए। अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे वहां पर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं यहाँ के ओनर से और बात करते हैं इस ऑफर के बारे में। सबसे पहले तो बताइए ये शॉप को ओपन हुए कितना टाइम हो गया? शॉप को ओपन हुए अराउंड 3 मंथ्स हो चुके हैं, इस 13 को 3 मंथ्स हो जाएंगे। ओके, और इस ऑफर के बारे में बताइए। इस ऑफर में बेनिफिट ये है कि ये है फर्स्ट 110 का कॉम्बो है जिसमें आपको आलू टिक्की बर्गर मिलता है, सैंडविच है, सैंडविचेस में आपके पास चॉइस है 4 तरीके की, चीज़ ले लीजिए, अचारी है, तंदूरी है या फिर पेरी पेरी सैंडविच है, और फ्राइज में भी चॉइस है पेरी पेरी या फिर फ्रेंच फ्राइज। देन इसमें बेनिफिट ये है कि फर्स्ट टाइम खाने के बाद सेकेंड टाइम आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उस चीज़ को दोबारा रिफ़िल करवा सकते हैं एक बार और, तो दो बार ही आप रिफ़िल करवा सकते हैं खाने के बाद, फर्स्ट टाइम एक बार और करवा लीजिएगा। तो सेकेंड फ्रेकली इसमें टर्म्स ये हैं कि फर्स्ट टाइम आप खाने के बाद जैसे आप रिपीट करवा रहे हैं और उसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप नहीं खा पाते तो उसमें 50% पर्टिकुलरली अमाउंट का पे करना पड़ता है, ठीक है। और सिंगल पर्सन के लिए है और हैबिट के लिए, टेक अवे के लिए ऑफर्स नहीं है। तो बाकी इसमें यही है कि फर्स्ट टाइम खाने के बाद दूसरी बार आप ले सकते हैं। तो फूड वेस्टेज मत करिए, और यहाँ पर भी यही एजेंडा है इनका कि फूड वेस्टेज मत करिए। तो स्टार्ट करते हैं, इनकी ऑफर लेते हैं। ये अनलिमिटेड ऑफर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हम एक बार रिफिल करवा सकते हैं, दैट मीन्स हम एक बार 110 रुपीज़ देकर दूसरे टाइम भी खा सकते हैं, रिफिल करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं इनकी किचन में। और देखिए हम पहुँच चुके हैं इनकी किचन में, और इनकी किचन देखिए ज़रा कितनी साफ सुथरी रखी हुई इन्होंने, सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है, मास्क भैया ने पहन रखा है, ग्लव्स भी भैया ने पहन रखे हैं। और हमें खिला क्या रहे हो पहले ये बताओ, आप ऑफर में क्या चीज़ें खिलाओगे? मैं अभी हम आपको तंदूरी सैंडविच खिला रहे हैं, फिर उसके अंदर आलू टिक्की बर्गर है आपका, देन फिर हमारी पेरी पेरी फ्राइज है। ओके, हाँ, तो ये कॉम्बो मील बनता है एक 110 का। 110 जी, ठीक है, चलो जी बनाना शुरू करिए भैया। हम देख दिखाते हैं आपको कि ये फिलिंग किसकी है भैया? ये हो चुकी है तंदूरी सैंडविच की फिलिंग है। ओके, जिसके अंदर अनियन, कैप्सिकम और हमारा मसाला है ब्लैक पेपर और जीरे का जो हम खुद बनाते हैं, और सॉल्ट। अच्छा, ये दिखाइए जरा मसाला। ये देखिए हमारा ये मसाला है ब्लैक पेपर और ये और जीरा है, और इसमें हाँ ये होम मेड है, तो ये मसाला पूरा है, तो काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसको अगर आप स्मेल करके देख रहे होंगे अभी। हाँ जी हाँ जी, फ्रेग्रेंस तो बहुत बढ़िया आ रही है इसकी। तो चलिए अब पहले हमारा सैंडविच बन रहा भैया। तो अभी हमने आलू टिक्की डाल दिया फ्राई होने के लिए, और ये अब देख लो उसमें फ्राई हो रही है, फ्राई होने के लिए डाल दिया है। इतनी देर में हमारी ये जो हमने फिलिंग रेडी करी हुई है सैंडविच की, अब वो सैंडविच हम रेडी कर लेते हैं। तो आपको सैंडविच की ब्रेड दिखाते हैं, दिखाइए जरा भैया किस क्वालिटी की यूज कर रहे हैं ये। ये इंग्लिश ओवन की ब्राउन ब्रेड है। ब्राउन ब्रेड जी, मैं व्हाइट ब्रेड का यूज ही नहीं करता हूँ। हाँ, और सैंडविच रीजन बिहाइंड ये कि ब्राउन ब्रेड काफी हेल्दी होती है, इसमें व्हीट और फ्लोर मीट और मैदा दोनों मिला हुआ होता है, बट क्वांटिटी ज्यादा इसमें व्हीट की आटे की होती है। ओके, तो ये हेल्दी इसलिए होती है, तो आप हेल्दी खिलाना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, और इसी रीजन बिहाइंड इट, इसी के ब्राउन ब्रेड के पीछे रीजन ये है कि मैं अपने ग्रिल ब्रेड वगैरह पे या बर्गर पे मैं ऑयल और बटर यूज नहीं करता। अच्छा, हाँ, ऑयल बटर यूज करने से फिर वो अनहेल्दी ही हो गया, तो फायदा ही क्या है उसको, फिर इससे अच्छा तो व्हाइट ब्रेड यूज कर लेते, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करता हूँ। ब्राउन ब्रेड पे भी आपको सेम क्रिस्पीनेस मिलती है, बट ब्राउन ब्रेड के पीछे ड्रॉबैक थोड़ा सा ये रह जाता है कि वो थोड़ी जल्दी सॉगी हो जाता है बस, बाकी टेस्ट और हेल्दी के लिए अगर आप लेंगे तो ब्राउन ब्रेड से बेटर कोई भी नहीं है। ये बात कर रहा है ये आपका, तो ये जो सैंडविच बनने वाला है वो बिना बटर बिना ऑयल के बनेगा, बिल्कुल हेल्दी। हम इसको कर दें, फीलिंग अच्छे से धुल चुकी है हमारे सैंडविच के अंदर। अभी हम टोस्टर गर्म होने के लिए लग जाती है भैया ने, तो
हो गया ये उसे थोड़ी सी देर इसमें और लगेगी, इसके बाद हम फ्राइज करेंगे। ओके जी, तो ये पैटी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे एक सॉइल निकाल दिया। ये बताते रहना क्या क्या डाल रहे हो हमारे बर्गर। जी जी जी, बर्गर बन भी हमारा इंग्लिश ओवन का ही है। अच्छा, ये भी देखिए इंग्लिश ओवन का यूज कर रहे हैं, जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं लोग। जी, बर्गर आप खाओगे आपको पता चल जाएगा, ये बर्गर मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि किसी ब्रांड से कम नहीं लगेगा। पर्टिकुलर ब्रांड जो होता है, आपको पता है कि आलू टिक्की बर्गर का ब्रांड जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वो कौन सा है, तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा। बाकी ये अनियन है, टमाटो है, और इसमें हमारी जाएगी बर्गर सॉस। ये बर्गर सॉस आपको इजीली नहीं मिलेगी मार्केट में। ये आप क्या घर पर बनाते हैं? नहीं, ये बनती घर पर नहीं है, बट ये मार्केट से ही आई है, बट ये ऑर्डर करनी पड़ती है, तो ये सॉस आपको इजीली नहीं मिलेगी। ये देखिए हमारी पैटी भी बर्गर के अंदर। अब इस बर्गर को मैंने जैसे बोला था, मैं ग्रिल नहीं करता हूँ ना, फिर ऑयल बटर कुछ लगता है, इसलिए ओवन बेक होती है, तो इस ओवन बेक होने से क्रिस्पीनेस उसमें उसकी बरकरार रहती है। कितनी देर लगेगी तो मुश्किल से एक मिनट, बाकी ये फ्राइज हो रही है। ये देखिए हमारे फ्राइज जा चुके हैं, और आज ये हमें पेरी पेरी फ्राइज लाने वाले हैं। हाँ, ये पेरी पेरी फ्राइज है। ठीक है, ये पेरी पेरी फ्राइज है। तो ये देखिए अपना सैंडविच तैयार हो चुका है, और फिलिंग देखिए, ये भैया हमारे पेरी पेरी फ्राइज रेडी हो रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग, पहले आप ये ऑफर देखिए। हाय साहब, ये पेरी पेरी फ्राई सबसे ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है देखने में, ये देखिए। ओहो, तो हाथ हो गए हैं सैनिटाइज, और स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। स्टार्ट करते हैं पहले पेरी पेरी फ्राइज से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं देखने में ये। By crispiness, awesome. भाई इसकी जरा फीलिंग देखो अंदर, देखो खोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको दूर से ही इधर से ही फीलिंग इतनी ज्यादा दिख रही है। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल टेस्ट, और बहुत ही ज्यादा हेल्दी, क्योंकि इसके अंदर प्याज कैप्सिकम फ्रेश वेजीज डाल रखी है। हमने आपको दिखाया था, हमारे सामने ही कटी थी सारी वेजीज। तो चलते हैं अब अपने बर्गर की तरफ, हाथ थोड़े से गंदे हो गए हैं भाई जरा। तो भाई बर्गर दिखाते हैं आपको, जो कह रहे थे कि भैया का ये कहना था कि ये हर ब्रांड को फेल कर देगा, ये देखिए। तो भाई बर्गर टेस्ट करते हैं। भाई सच में जो इन्होंने अंदर सॉस डाली है, जो इन्होंने बताया था कि स्पेशली ऑर्डर करते हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, भाई ये बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि ये जो सॉस है ये किसी ब्रांड से नीचे की सॉस नहीं है, बहुत ही बढ़िया सॉस यूज कर रहे हैं, और जो फ्लेवर आ रहा है बर्गर का वो बिल्कुल सेम आ रहा है जैसे हम बाहर के ब्रांड्स में खाते हैं।
तो एंजॉय करते हैं अपना सारा फूड। साथ में हमने लिया है कोल्ड ड्रिंक भी। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। तो यही था आज के ऑफ़र में, और ऑफ़र रियली अमेजिंग थी। अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ ऑफ़र को तो मैं 9.5 से नीचे नहीं दे पाऊँगा। और जो आइटम्स यूज़ हो रही थी वो रियली हाई क्वालिटी की आइटम्स यूज़ हो रही थी इस अमाउंट में 110 की ऑफ़र में। अगर आप हाई क्वालिटी की आपको वो आइटम्स मिल रही हैं तो इट्स रियली वर्थ इट। तो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।